ये तो ऐसा कहीं होता है का? दूध चुराया तो चुराया, बाकी जो बचा था उसको गिरा भी दिया। क्या करे? हाँ नहीं तो इतनी मेहनत से बनाए सारे लड्डू ले गया, बनाने में कितनी मेहनत लगी वो क्या जाने। शांत हो जाइए, सब शांत हो जाइए। क्या हुआ यहाँ? क्या हुआ? हम सब क्यों पूछ रहे हो? इन ढोलू भोलू से पूछो। मुझे तो लगता है मेरे सारे मटके इन्हीं ने तोड़े हैं। मेरे माने बाबू राम के मटके। अच्छा, क्या कह रहा है ये? ये कैसे हो सकता है? क्या कह रहे हो चाचा? भला क्यों तोड़ेंगे आपके मटके? क्योंकि तुम दोनों हमेशा उत्पात मचाते रहते हो पूरे ढोलकपुर में, और जब मेरे मटके टूटे तब तुम दोनों वहीं से गुजर रहे थे, हमने देखा। हाँ, कोई नहीं था वहाँ, कोई भी नहीं तुम्हारे अलावा। हाँ बोलो, ये क्या बात हुई कुम्हार चाचा? ऐसे ही कुछ भी इल्जाम लगा रहे हो इन पे? किसी ने देखा इन्हें ये सब करते हुए जो ऐसा बोल रहे हो? साथियों, ये है हमारे घनिष्ठ मित्र और पड़ोसी राज्य पंचगढ़ के राजा राजेंद्र सिंह जी। नमस्कार। भीम, राजा राजेंद्र सिंह जी को हमारी मदद की आवश्यकता है। लेकिन कैसी मदद महाराज? हमारे राज्य पंचगढ़ में कोगी नाम का एक छोटा बच्चा है। थोड़ा नटखट है पर दिल से बड़ा मासूम है। कोगी कल शाम एक पछड़े के पीछे भाग रहा था, तभी से उसका कोई अता पता नहीं है। हम सब बहुत चिंतित हैं। ये है उसकी तस्वीर। महाराज आप चिंता मत कीजिए, मैं और मेरे दोस्त जल्द से जल्द गोगी को ढूंढ लाएंगे। ठीक कहते हो भीम, टाइम है इस पहेली को सुलझाने का। ही टूटे हैं, बाकी बर्तन सही सलामत है। अरे ये क्या? भीम, जरा इधर आना। चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है। चलो चले दोस्तों। ये खाओ, ये चाहिए, बस बहुत है। गोगी, कौन हो तुम लोग? अच्छा बच्चू, हमसे चोरी करके हमसे ही पूछते हो कि कौन है हम? चोरी? कैसी चोरी? मैं कभी चोरी नहीं करता। अच्छा तो ये सब क्या है? गोगी क्या माजरा है, सब साफ साफ बताओ। बताता हूँ, सब शुरू से बताता हूँ। कल शाम के वक्त मैं अपने गांव के बाजार के पास बैठकर आराम से गन्ना खा रहा था, तभी अचानक मैंने एक बछड़े को बहुत दर्द में लंगड़ाते हुए देखा। देखकर लग रहा था कि उसके पैरों में चोट आई थी और वो बहुत दर्द में था। मैं तुरंत उठा और उसकी मदद करने गया, पर बछड़ा मुझसे ही डर के भागने लगा। मैं तो बछड़े को बचाने दौड़ा, पर उसके बाद जो हुआ मैं क्या बताऊं? सारे खिलौने तोड़ दिए। अरे रुको, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। फिर जब वो बछड़ा थक गया तब जाके पकड़ में आया। वो तो मुझसे डर रहा था, पर मैंने उसे प्यार से सहलाया और उसकी मदद की। पर इस सारी भाग दौड़ में
मैं अपने गांव वापस जाने का रास्ता भूल गया। फिर मैं और ये बछड़ा जंगल में अकेले रह गए। अच्छा वो सब ठीक है, पर तुमने चोरी क्यों की वो बताओ। मैं और बछड़ा जंगल में अकेले रह गए और रात को चुपचाप एक दूजे को पकड़ के सो गए। जब आज सुबह उठे तो हम दोनों को बहुत भूख लग रही थी। क्या हुआ, भूख लगी है? रुको मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ। मैंने झाड़ियों के पार देखा, एक औरत लड्डू बना रही थी। मैंने सोचा अगर मैं ये लड्डू बछड़े को खिलाऊंगा तो उसकी भूख शांत हो जाएगी। और रास्ते में मैंने भी कुछ खा लिए। फिर मैंने बछड़े से पूछा, अब तो पेट भर गया ना तुम्हारा? अच्छा अच्छा, उदास होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। ओए बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले। सारू, आज का मैच कौन सी टीम जीतेगी, साउथ अफ्रीका या फ्रांस? आज का मैच जीत करके फ्रांस पहुंच गया है सेमीफाइनल्स में। हम इस कछुए में प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। मैच रिजल्ट की भविष्यवाणी करने का इसमें जो टैलेंट है, ये हम सारी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। वर्ल्ड कप फाइनल से ठीक पहले आप और जारू टीवी प्रोग्राम पर होंगे, जिसमें जारू की भविष्यवाणी परखी जाएगी। ये रहे आपके प्लेन के टिकट। शाबाश है असली। तो अब वर्ल्ड कप फाइनल वाले दिन मुकाबला सिर्फ फुटबॉल का नहीं, शाबाश और जारू का भी होगा। पता नहीं मेरा जारू कहाँ होगा, किस हाल में होगा। नहीं नहीं माँ, इतना परेशान मत हो, वो जरूर ठीक ही होगा। और याद है, हमें लगा शायद कोई इंसान नहीं तो कोई परिंदा जारू को उड़ा ले गया हो। क्या ऐसा हो सकता है कि ये भी जारू से पूछकर खुद मैच के परिणाम पता लगवाए और दुनिया में मशहूर होने के लिए शाबाश को दिखाए? ये लड्डू आपके लिए, हमारी तरफ से भेंट। लड्डू? How boring! मुझे तो बस
कपकेक्स पसंद है। आई लव कपकेक्स। नहीं, ये हीरे की खान है। हीरे की? हाँ, कोयले की खान में हीरे का मिलना आम बात है, क्योंकि कोयला और हीरा एक ही तत्व से बनते हैं। वाह, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। इसी का तो फायदा उठाया इन लोगों ने।
और अब इन्हें सजा जरूर मिलेगी। चुप करो बेवकूफो, अंदर धकेलो मुझे। तरबूज का मजा ही कुछ और है। अब ताकत का फॉर्मूला पिया है भीम, वो हाथी कालिया है, उसे रोक कर रखना पर नुकसान मत पहुंचाना। मैं इस फॉर्मूले का तोड़ जानता हूँ। ये लो तुम्हारा ताकत का फॉर्मूला। प्रोफेसर, पर कालिया, हार या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी तो ये है कि हम लड़ने के लिए नहीं, बस खेलने के लिए मुकाबला करें। जो हुआ सो हुआ, अब सब ठीक हो गया, इसलिए आपस में हाथ मिलाओ और मजे करो। सुबह सुबह लड्डू खाने का मजा ही कुछ और है। ठीक कहा भीम। गोटकपुर गांव का मेला तो हमारे ढोलकपुर के मेले से बहुत बड़ा था। हाँ हाँ, अब जरा जल्दी जल्दी चलो, पहले ही तुम दोनों की वजह से वापस लौटने में देर हो गई है। जल्दी नहीं चलोगे तो रात यहीं जंगल में काटनी पड़ जाएगी।
अब चलो। जंगल का ये इलाका पहले कभी नहीं देखा। हाँ। भीम। क्या हुआ मंत्री जी? महाराज बहुत अजीब तरह से पेश आ रहे हैं। वो जमीन पे सो रहे हैं, खाना राक्षस की तरह खा रहे हैं, खजाने में तैर रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भीम, ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या? जरूर दाल में कुछ काला है, क्योंकि महाराज तो कभी ऐसा बर्ताव नहीं करते। भीम, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। महाराज को मंगल सिंह ने अगवा कर लिया है। मैं वहाँ से भाग आया, लेकिन महाराज और इंदुमती वहीं पर हैं। लेकिन महाराज तो महल में हैं। नहीं, वो मंगल सिंह है, उसने महाराज का रूप लिया है। क्या मतलब वो नकली है? तो फिर महाराज है कहाँ? वो तो मंगल सिंह के आदमियों के कब्जे में है। हमें उन्हें बचाना होगा भीम। तो फिर जल्दी चलो। शुक्रिया भीम। महाराज हमें जल्दी मंगल सिंह को पकड़ना चाहिए। भीम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। भीम, आज सुबह मेरा जादुई कंबल चोरी हो गया। कंबल का आविष्कार करके मैं उसे आजमा रहा था, तभी कोई उसे चुरा कर ले गया। मैं शायद जानता हूँ कि आपका जादुई कंबल कहाँ है। अच्छी परी, वो महाराज इंद्र वर्मा बहुत बीमार है, अगर इलाज नहीं मिला तो। अच्छी परी, आप महाराज को ठीक कर सकती है ना? ये दवाई महाराज इंद्र वर्मा का इलाज कर सकती है। मंगल सिंह, अपना असली चेहरा दिखाओ। यही है मेरा असली चेहरा। मंगल सिंह जल्दी से मान जाओ, वरना मैं ये जादुई रेत तुम पर फेंक दूंगा। जादुई रेत? बहुत बहुत शुक्रिया भीम। शाबाश भीम, तुमने एक बार फिर ढोलकपुर को बचा लिया। दुनिया के सारे कमाल एक तरफ और ये कमाल की जादुई खुशबू एक तरफ। और ये जहाज पर सारा ढोलकपुर आ जाएगा और मैं ढोलकपुर की रानी बन जाऊंगी। ये क्या? हाँ, लड्डू कहाँ गए? माँ, क्या हुआ? सारे लड्डू कहाँ गए? अरे जरूर वो बांसुरी वाला ही ले गया होगा। अरे वाह, आपके हाथ में तो जादू है। अब जब तक और लड्डू नहीं मिलेंगे, हम नहीं जाने वाले हैं। 2 रुपए का 1 लड्डू। अयो, पैसा तो नहीं है मेरे पास। ठीक है, एक कमाल दिखाता हूँ जिससे अब आप खुद ही मुझे लड्डू दोगी, देखना। ओ मैं।
अरे नहीं, बस करो। तो लाओ लड्डू इधर। उसके बाद तो कुछ याद ही नहीं, मगर वो सारे लड्डू ले गया। फिक्र मत कीजिए मौसी, हम सब मिलकर उस अनोखे चोर को जरूर पकड़ेंगे। ये तो बोतल के अंदर कोई जहाज है। लगता है उस खुशबू में कोई जादुई ताकत थी जिसने हमें छोटा कर दिया और हम बोतल के अंदर चले आए। जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। कब्जे में और ये जादुई खुशबू मेरे हाथ में। अब ढोलकपुर को कौन बचाएगा? ढोलकपुर को बचाने के लिए मैं इस बोतल से निकलने का भी रास्ता ढूंढ लूंगा। रास्ता? इससे पहले इस पानी में डूब जाओगे तुम भी और बहुत जल्द पूरा ढोलकपुर भी। से निकलने का एक ही रास्ता है, इस ढक्कन को हटा के। ये क्या कर रहे हो भीम? कहीं मैं पानी में गिर जाता तो? भीम, बारिश का पानी तेजी से भर रहा है, हमें कुछ और सोचना होगा। हमें किसी तरह इस ढक्कन को खोलना है। भीम, देखा नहीं ये जहाज किस तरह उलट पुलट हो रहा था? और ये जहाज ही हमारा एक सहारा है। सही कहा चुटकी, ये जहाज ही हमारा एक सहारा है। ये जहाज तो चलता भी होगा, तो इस ढक्कन को खोलने के लिए हमें इस जहाज को चलाना होगा। चुटकी, दाएं तरफ घूमो। जहाज अपनी जगह से हिल रहा है। हुआ जेवर, तुम्हें उन्हें वापस करना होगा। तुम ऐसे चोरी नहीं कर सकते। अयो चोरी? अयो महाराज, अगर मैंने आपसे जबरदस्ती ये जेवर लिए हैं तो वापस ले लीजिए। नहीं नहीं भीम, अगर कोई अपनी मर्जी से जेवर दे तो उसे चोरी नहीं कहा जा सकता। फिक्र मत करो दोस्तों, वो चालाक है तो हम भी कुछ कम शातिर नहीं है। किसी तरह उस बांसुरी को उससे दूर करना ही पड़ेगा। यहाँ आओ। Yeah.
जादू नहीं, बस जाल बिछाना है। हम कालिया और गांव वालों से यूं नाटक करवाएंगे जैसे ये ढोल भी कमाल का जादू करता है। फिर देखना उस बांसुरी वाले को हम कैसे हरा देंगे। अयो जादुई ढोल, ये ढोल तो मुझे लेना ही पड़ेगा। अरे वाह, ये जादुई ढोल तुम्हें कहाँ से मिला जी? बरगद के पेड़ वाले महान बाबा ने दिया है। अयो ये तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें ढेर सारे अमरूद दूंगा। अमरुद नहीं, मुझे तुम्हारी वो बांसुरी चाहिए। बांसुरी दो और ढोल लो। ठीक है ले लो। ये लो। ये दे दो, ये दुकान मुझे दे दो। इसका तो कुछ असर हो ही नहीं रहा है। वो ढोल जादुई बादुई नहीं, नकली है, नकली। हंसी मजाक में आखिर गलत करने वाले का ही ढोल बजता है। आज स्कूल में बहुत मजा आया ना राजू? हाँ भीम, हमने तो दूसरी टीम को कबड्डी में इतनी आसानी से हरा दिया। तुम्हें तो बस यही सब याद रहता है, ये याद नहीं कि मुझे क्लास में सजा मिली और मैं बेचारा धूप में खड़ा था। उस्ताद तो अंडे की तरह पक गए थे। बेचारे उस्ताद, आवाज करोगे तो सजा मिलेगी ना। वैसे आज जग्गू कहीं नजर नहीं आ रहा। वो कह रहा था कि अपने बंदर दोस्तों से मिलने जा रहा है, पर अब तक वापस आ गया होगा। चलो फिर उससे मिलकर